नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभिन 24 न्यूज। दोस्तों, एक बड़ा हादसा हुआ है रात को, बड़ा हादसा जिसमें आप एक ट्रक देख पा रहे हैं जो बहुत ही बुरी हालत के अंदर आप देख रहे हैं कि क्षतिग्रस्त है और इसके अंदर दो लोग सवार थे। जी हाँ, दो लोग सवार थे जो कि ये देख सकते हैं एक आइसक्रीम वाला ये ट्रक है जिसमें आइसक्रीम जो है लोड थी और ये ट्रक जो है आता है लेकिन अचानक सामने एक ट्रक जो है वो पार्क था जीटी रोड के बीचों बीच। जो बता दें ट्रक था वो पार्क था, न जाने वो ख़राब था क्या था, और वो ट्रक भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देख लीजिए, ये ट्रक जो है वो बिल्कुल साथ में ही खड़ा हुआ है इस समय, हाईवे के किनारे वो ट्रक लगा हुआ है और ये ट्रक जहां पर लगता है ये हिस्सा भी मैं आपको दिखाने का प्रयास जो है वो मैं फिलहाल कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये ट्रक टकराता है और जो ट्रक का नंबर भी है वो आप देख सकते हैं MP07HB8811 नंबर का ये ट्रक, और जो दूसरा ट्रक है वो पंजाब का है PB23T0956 नंबर का ये ट्रक। और यहाँ पर बहुत ही बुरा हादसा होता है जिसमें बता रहे कंडक्टर जो है उसकी मौत हो जाती है। कैसे पूरा हादसा हुआ जानने का प्रयास करते हैं। जो अपने थर्ड लाइन होती है ना रोड की, जे उसके ऊपर खड़ी थी, मैं सर थर्ड लाइन पर आ रहा था, इसी वजह जे हो गया। सामने से तो आपको पता है बड़ी बड़ी लाइटें पहती रहती हैं, आप में जे मुझे दिखाई नहीं दिया सर ना इसने, मगर इट या टाली वगैरह कुछ रखा नहीं थी हुआ जिसको, हाँ जिस ना कुछ भी नहीं था सर। मैम इसके इंडिकेटर का इसके लाइटें भी ऑन नहीं थी। आप अकेले थे ना? मेरे साथ मैम लेबर वाला बंदा था, वो उसकी डेथ हो गई। लखनऊ के साथ पास का था। अच्छा, आपके साथ ही रहता था वो? नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ हमेशा बंदा कोई कभी कभी गाड़ी भी कोई। कहाँ से ला रहे थे आप? मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से सर। और जा कहाँ रहे थे? आगरा में सर। और ये आगरा जा रहे थे। ड्राइवर कहाँ है अभी? जी नहीं मैम पता, आप नहीं पता? नहीं मैं भी अभी आया मैम। तो रात को कितने बजे के आसपास हुआ था ये हादसा? 2:30 बजे साहब, बस 2:30 बजे। तो रात को एम्बुलेंस तो आ गई थी, उसको ले गई थी आपके साथ जो कंडक्टर? मैं साथ में गया था। तो फिर बचाव नहीं हो पाया? बचाव नहीं हो पाया क्योंकि ज्यादा हो गया सर, एक घंटा सर गटो गटो बीच फंसा रहा। उसको निकालने में एक घंटा लग गया। बहुत कोशिश करी है सर, लोगों ने भी बहुत मदद की, बहुत 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 मदद करी है, बहुत अच्छे लोग हैं इधर के सर। हाइड्रा मंगाया गया था तब निकला वो? हाँ सर, हाइड्रा से निकला, तब तक तो आपको मालूम है इतना छाती वगैरह पे चोट थी, ये किस छाती भी थी, गया था उसका जे बांह भी कट्ठी हो गई थी, उंगलियां सारी कट गई थी सर। तो होश में था जब यहाँ से गया था? जहाँ से ले गए सर तब बोल रहा था, जब फंसा हुआ था तब भी बोल रहा था, हॉस्पिटल में ले गए तब भी बोला था, 4 बजे बाद सर वो सुन मतलब चुप जा हो गया, उसके बाद नहीं बोला। फिर उसके बाद उसको वेंटिलेटर लगा दिया, तो 5:30 मैं रोहतक का हॉस्पिटल में लेके जाने लगा था, तो तभी उन्होंने बोल दिया भी अब है नहीं, डेथ हो गई। तो परिवार को सूचना दी है उसके? दे दिया सर, कंपनी वाले ने दे दिया, कंपनी वाले इसका हरजाना भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, मुआवजा देंगे। वो तो देना ही पड़ेगा ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरजीत सिंह। काफी और यहाँ पर बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, एक परिवार का व्यक्ति आप देख पा रहे हैं, और जिस तरीके से ये हादसा होता है जिसमें एक लेबर का व्यक्ति होता है जिससे बड़ी मुश्किल से फंसे हुए ट्रक में से निकालने में 1 घंटा तक लग गया, क्योंकि ट्रक किस तरीके से क्रश हो गया था आगे से आप देख रहे हैं, और इसमें आइसक्रीम लोड थी। हालांकि जो ड्राइवर थे उनको भी चोटें ज़रूर आई हैं चेहरे पर, लेकिन जो कंडक्टर साइड पर बैठा हुआ लेबर का व्यक्ति था वो बड़ी ही मुश्किलों के साथ उसे बाहर निकाला गया, जिसके बाद उसे पूरे ऑपरेशन के बाद जब उसे बाहर निकाला गया, उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया, तो बता रहे हैं सुबह के समय उसे रेफर किया जा रहा था लेकिन उसी दौरान उसने दम तोड़ दिया। और यहां पर बहुत ही दुखद ये हादसा हुआ है, तो यहां पर सभी लोगों से हम निवेदन करेंगे, आप हाईवे पर अगर कोई गाड़ी ख़राब होती है तो पीछे रिफ्लेक्टर्स लगाएं, पीछे आने वाले को नहीं पता चलता कि आप आगे खड़े हुए हैं, और ऐसे में बड़े बड़े हादसे होते हैं। तो यहां पर इस जगह पर टक्कर होती है इस ट्रक की, और कैसे ये ट्रक जो है आप देख रहे हैं बड़ा
मजबूत ट्रक होता है और ट्रक का फिलहाल कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन एक इंसान की मौत जो है वो हो चुकी है। तो यहाँ सभी से हम निवेदन करेंगे, अगर आप कभी भी कैसे भी कहीं पर भी आपका कोई व्हीकल खड़ा होता है तो आप पीछे रिफ्लेक्टर्स जरूर लगवाएं या फिर एक जो ट्रायंगुलर आता है उसे आप हाईवे पर ज़रूर लगाएं ताकि पीछे से आने वाले को ये पता लग जाए कि सामने कोई खड़ा हुआ है और ये इसी गलती की वजह से ही जो है ये हादसा हुआ है। आप पूरे ट्रक की तस्वीरें देख सकते हैं, ट्रक की हालत जो है वो किस तरीके से खस्ता हालत के अंदर जो है इस समय ट्रक जो है ये हो चुका है और यहाँ पर जो एक व्यक्ति की भी किस तरीके से दर्दनाक जो मौत है वो हुई है। एक परिवार का व्यक्ति जो परिवार के लिए कमाता था आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो आप सभी से निवेदन करेंगे जब भी कभी ट्रक ख़राब हो तो आप रिफ्लेक्टर्स लगाकर जो है हाईवे पर ज़रूर लगाएं ताकि बड़े बड़े हादसों से बचा जा सके। आप सभी से हम निवेदन करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, सभी ट्रक भाइयों से निवेदन करेंगे ट्रक ख़राब हो तो रिफ्लेक्टर्स का प्रयोग ज़रूर करें। आपसे अपील करेंगे वीडियो को शेयर करें, फिर से जुड़ेंगे आई बिन 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।